Hello everyone, I will teach you today chapter number 4, I Wonder Boy. I Wonder Boy chapter जो है वो जिनी किर्थी किरपाई ने लिखा है और इस chapter में एक बच्चे के मन में जो उत्सुकता होती है चीजों को जानने के लिए, जैसे आपके मन में भी होती होगी, आपकी उम्र में आपको पता बहुत सारी चीजों का पता नहीं है तो आपके मन में ये प्रश्न आते होंगे कि ये पृथ्वी गोल क्यों है, व्हाई इज अर्थ राउंड इन शेप, या ये चंद्रमा भी गोल क्यों है, सूरज क्यों चमकता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें इस पृथ्वी पे कौन लाया है, और बहुत सारी इस तरह के जो छोटे छोटे दिमाग में प्रश्न होते हैं वो सबके दिमाग में आते रहते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी एक लड़की के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो समझ नहीं पा रही है, जिनका उत्तर ढूंढ रही है वो, और उनका आंसर वो अपने पापा से जानना चाहती है। तो क्या क्या प्रश्न वो पूछती है, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इससे पहले अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वंडर, वंडर मीन्स जो चैप्टर का फर्स्ट नाम है वंडर, आश्चर्यचकित, किसी चीज को देखकर हम हमारे मन में जो एकदम से जो भाव आते हैं वो होता है वंडर। टॉट, टॉट मतलब सिखाना या सिखाया। क्वाइट, क्वाइट मतलब काफी यानी पर्याप्त। बिट, बिट मतलब कुछ समय, कुछ समय के लिए। ब्लो, ब्लो का मतलब उड़ाना, फूंक मार के उड़ाना। फ्लैश, टिमटिमाना, सारे टिमटिमाते हैं। फ्लफी, फ्लफी का मतलब फूला हुआ या थोड़ा सा जैसे गद्दा वगैरह होता है या आपका पिलो होता है। सपोज, सपोज का मतलब होता है कल्पना करना, यानी हम किसी चीज के लिए सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब होता है सपोज। नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, जो चीज कभी नहीं होने वाली होती है। विंड यानी हवा, हवा को कहते हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपनी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 खोल लीजिए। वंडर बॉय, वंडर बॉय चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। वंडर बॉय में क्या है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। आई वंडर यानी मुझे बहुत आश्चर्य है कि चीजों का रंग यानी घास का रंग हरा क्यों है, घास हरी क्यों होती है, पीली क्यों नहीं होती है, नीली क्यों नहीं होती है, हरी ही क्यों होती है। ये मन में मुझे इस चीज का कोई समझ नहीं आ रहा है कि घास का रंग हरा ही क्यों है, आम का रंग पीला ही क्यों है, इस तरीके से। एंड why the wind is never seen, और wind का मतलब मैंने आपको बताया है हवा। अच्छा grass क्या होती है, grass is घास, ठीक है, घास को कहते हैं बच्चों। And why the wind is never seen, never का यानी कभी भी मुझे हवा दिखाई क्यों नहीं देती, हवा तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। आप बाहर खड़े होंगे, कभी कभी ठंडी हवा महसूस तो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। Who taught the birds to make a nest, और चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया। Who taught यानी किसने सिखाया the birds यानी चिड़िया को make a nest, एक घोंसला सिखाया है बनाना, किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू मेक टू टेक अ रेस्ट, और किसने कहा कि रात को जैसे दिन में हम सोते हैं, दिन में हम जागते हैं और रात को सोते हैं, ऐसे ही ट्रीज भी ऐसा ही करते हैं, रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं। तो ये भी किसने ट्रीज को बोला कि तुम दिन में सो जाओ और दिन में रात जागो और रात को सो जाओ। Oh, when the moon is not quite round, और moon जो है वो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी round हो जाता है, तो हमेशा गोल ही नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है।
वेयर द मिसिंग बिट बी फाउंड, यानी जो उसका टुकड़ा है वो कहाँ चला जाता है, जब चांद गोल होता है किस दिन होता है, फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन होता है, और उसके अलावा कभी हाफ हो जाता है, कभी हाफ से भी कम हो जाता है, तो उसका वो बाकी का हिस्सा कहाँ चला जाता है। Who lights the stars when they blow on? और तारों को कौन टिमटिमाता है, कौन सी लाइट, कौन सा स्विच होता है ऐसा जिससे तारे टिमटिम करते हैं? भाई हम लाइट जलाते हैं तो हम तो स्विच ऑन करते हैं, लेकिन आसमान में कौन सा स्विच लगा हुआ है कि वो तारे टिमटिमाते हैं? And makes the lightning flash about. और क्या होता है जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होती है? लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होती है बिजली चमकना। लाइटनिंग जब बारिश का समय होता है तो बिजली क्यों चमकती है? Makes the lightning flash about. Who paints the rainbow in the sky? और आसमान में जो रेनबो आपने देखा होगा, सात सतरंगी, एक इंद्रधनुष की जैसा होता है, उसमें कलर कौन भरता है? भाई ऊपर हम पेंट और ब्रश लेके थोड़ी जाते हैं कलर भरने के लिए, वो कहाँ से आ जाते हैं उसमें कलर? And hangs the fluffy clouds so high. और इतने ऊपर आसमान में जो ये बारिश के बादल है उनको कौन लेके जाता है ऊपर? अपने आप कैसे पहुंच जाते हैं ये ऊपर? Why it is now? Do you suppose? ये सब कुछ कैसे होता है? ये सारी बातें जो हुई है कि ग्रास ग्रीन कैसे होती है, हवा दिखाई क्यों नहीं देती है, बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं, ट्रीज रेस्ट क्यों लेते हैं, मून हमेशा गोल क्यों नहीं होता है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बारिश में बिजली क्यों चमकती है, और आसमान में रेनबो, यानी कि रेनबो क्या होता है? रेनबो मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के आकार का जिसमें रंग बिरंगे रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? और ये जो बादल है वो इतने फ्लफी, यानी जब बारिश से भरे होते हैं तो ऐसे दिखते हैं जैसे कि हाथ लगा दो तो एकदम मुलायम। ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब बातें जो है वो एक लड़की सोच रही है। Why it is now do you suppose that Dad, don't tell me if he knows. अगर मेरे पापा को पता है तो मुझे वो क्यों नहीं बताते हैं? ये सारी बातें वंडर वॉय यानी चैप्टर से ही पता लग रहा है कि ये सब बातें प्रश्न, अंदर जो प्रश्न है वो उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको रीड करना है और ये वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। ओके?